पेटीएम फ्लेम पे डालना, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं डालिएगा, ये ध्यान में रहे आपके। ये 3 से 4 मिनट लेते हैं मीडियम पे और ये तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। पहले मैंने आपको जो फ्रोजन का फूड का काम करने वाले मेरे बहने थी, भाई थे, उनको मैंने चिकन रोल की रेसिपी दी, मिलियंस में व्यू गए, लोगों ने बिजनेस किया और पसंद किया उसे। वेजिटेबल रोल किस तरीके से तैयार होते हैं, फ्रोजन फूड करने वाले काम करने वाले किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं देर तक, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग तवज्जो से मेरी बातों को, रेसिपियों को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल सकता है, आप बिजनेस के हवाले से बहुत टिप्स एंड ट्रिक यहाँ पे मौजूद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो से देखिएगा कि वेजिटेबल रोल फ्रोजन किस तरीके से होते हैं और उनका टेस्ट किस तरीके से डेवलप होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये व्यूअर, इसके साथ के खाली बोल ले लें, तवज्जो से मेरी बात सुन लें, जो छोटा है पैमाने बनाना चाहते हैं उनको ही बता रहा हूँ, जो बड़े पैमाने पे कारोबार करना चाहते हैं उनको ही बता रहा हूँ। ये जो कपड़े धोने वाला, कपड़े खुश्क करने वाला ड्रायर जो होता है उसमें इनका पानी हम खुश्क करते हैं। जो वेजिटेबल रोल्स होते हैं वो 1 माह 2 माह 3 माह खराब नहीं होते, अगर आप बनाते हैं तो खराब हो जाते हैं क्योंकि आपको ओरिजिनल बात बताई ही नहीं जाती। इसके साथ का एक साफ कपड़ा ले लें या मलमल का कोई भी कपड़ा है वो ले लें, इसको ही बॉल के ऊपर ऐसे डाल दें। इसके अंदर ये बंद गोभी थी मेरे पास, ये शामिल कर दें, ये देखें तकरीबन ये इसका वज़न बनता होगा 1/2 किलो बंद गोभी है ये। 4 अदद मेरे पास शिमला मिर्च थी, मैंने इस तरह क्यूब में काट लिया, बंद गोभी को भी मैंने बारीक इस तरीके से काट लिया। शिमला मिर्चें शामिल कर दें ऐसे। ये मेरे पास 3 अदद गाजरें थी, मैंने उसको मोटा कद्दूकश कर लिया इस तरह, ये देखें ये शामिल कर दें। इसके अंदर आपने शामिल कर दिया, अब हमने करना क्या है ये देखें, इसको ऐसे उठाएं, ऐसे उठाएं, ऐसे उठाएं, इसमें से हमने पानी को बिल्कुल रिमूव कर देना है, देखें ये लेवर, जो भी मेरा पानी था वो मेरे कपड़े को लग गया। मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाता हूँ, अब इसको मैं यहाँ पे रख लूँगा, इसमें निकालने लगा हूँ, एक मिनट ठहरा इसमें, ये देखें ये यहाँ से जो है ना, ये देखें कपड़े की कंडीशन, ये कपड़ा सारा कपड़ा ये गीला हो गया, ये जो पानी था वो कपड़े ने सक कर लिया। अब ये दूसरी साइड ले लें, इसको अच्छे तरीके से हमने पानी इसका बिल्कुल खुश कर लेना है, बात को मेरी समझा करें, फिर ये फ्रोजन की तरफ जाएंगी। अगर आप बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, 4 किलो 5 किलो 6 किलो आपके पास वेजिटेबल हैं, फिर आप ड्रायर में कीजिएगा, कपड़े खुश करने वाले ड्रायर में डालें, इस तरह का कपड़ा लें, सारी सब्जियां काट के उसमें डालें और ड्रायर में डाल दें और ड्रायर को ऑन कर दें, सारा पानी उसका खुश्क हो जाएगा, हमें भुरभुरी सी खुश खुश की वेजिटेबल मिल जाएंगी खुश्क वाली। अब इस तरीके से इसको ऐसे करें अच्छे तरीके से, जितना भी इसका पानी होगा वो कपड़े को चिपक लग जाएगा सारा पानी वगैरह, ये देखें इस तरीके से इसको करते रहें। ये लेवर ये देखें, मुझे अगर ये देख लें, ये पानी जो है जितना भी इसके अंदर था मैंने इस तरीके से इसको निचोड़ निचोड़ के ड्राई करता रहा, मकसद है कि जो हमारा पानी था वो इस कपड़े के साथ चिपकता रहा, जो वेजिटेबल में पानी था मैंने इसके अंदर इसको धोया शोया भी नहीं था बिल्कुल, सिर्फ साफ़ किया इसको अच्छे तरीके से और ऊपर से गाजरों को हमने छील के साफ कर लिया। अब इसके साथ का एक पैन ले लें, फ्लेम को ऑन कर दें, 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दें, इसको ऊपर रख दें यहाँ पे गर्म होने दें। ये ले व्यूअर, ये इस टाइम पे आके जब ये आयल हमारा गर्म हो जाए ये वेजिटेबल इसमें शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है बस, पानी वगैरह जो था इसका एक्स्ट्रा से मैंने इसको खुश कर दिया बिल्कुल, पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो फिर ड्रायर का इस्तेमाल करें, 5-7 किलो जो होगी ना आपके पास तो फिर आप ड्रायर में डालें, कपड़े बांध के पानी बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, उसको ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना।
तकरीबन मैं इसको मीडियम फ्लेम पे दो मिनट ऐसे हल्का सा फ्राई करूँगा बस, दो मिनट के बाद मिलता हूँ आपसे। चलेंगे बस, इसको दो मिनट मैंने हल्का सा फ्राई किया, इसको इस कंडीशन में आ गया देखते हैं। बस इस तरह का चाहिए, इसमें डाल दें कोई मसला नहीं। टिप्स सारी मैं आपको साथ साथ समझाता आ रहा हूँ। ये मेरे पास चिकन थी बोनलेस एक पाव, मैंने उसको बॉयल कर लिया, बॉयल करके और इस तरीके से उनके टुकड़े कर लिए, रेशे पे बना लिए, देखें छोटे छोटे रेशे कर लिए। आप डालना चाहें डालें, अगर आप नहीं डालना चाहें, चिकन पसंद ना हो तो आप ना डालें, आपकी मर्जी है। लेकिन ये देखें, एक पाव चिकन को इसमें शामिल कर दें। अब इसके अंदर क्या चीज़ शामिल होगी, नमक हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर दें। इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची नहीं जाएगी, टमाटर नहीं जाएंगे, लहसुन नहीं जाएगा, फिर आप कहेंगे बाद में ख़राब हो गए, इस तरह नहीं होगा। 1 टेबल स्पून भर के ब्लैक पेपर या अपने टेस्ट के हिसाब से, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर दें। ये देखें, ये कुटी हुई मिर्च या दड़ा मिर्च, 1 1/2 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बहुत प्यारी खुशबू माशाल्लाह। इस तरीके से ये कर दें और इसको ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, ये ठंडा हो चुका है, ठंडा करके आपने फिलिंग करनी है। दूसरी टिप्स आपको अब बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आने वाली बातें हैं, ये समझा करें। पहली टिप्स मैंने आपको बता दी, ड्रायर में डाल के इसको खुश कर सकते हैं आप, बड़े बड़े पैमाने पर जो लोग बना रहे हैं, छोटे पैमाने पर इसी तरीके से कपड़े से बनाएं। ये मैदा है, ये 2 टेबल स्पून फिलहाल मैंने ले लूँ थोड़ा सा, इसकी हम लेई तैयार करने लगे हैं। ये पानी डाल दें, ये देखें इस तरीके से। इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूंगा मैं आप लोगों को, आप टेंशन ना लिया करें। जो लोग कहते हैं अभी रोल उनके ख़राब हो जाते हैं, अब नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस टिप्स को आप जब आजमाएंगे ट्राई करेंगे फिर नहीं होंगे। आप सब्ज़ मिर्चें बीच में डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं, इसमें धनिया नहीं जाएगा, सब्ज़ मिर्चें नहीं जाएंगी। हाँ, आप अगर ख़वातीन माएँ बहनें घर में बना रही हैं फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप धनिया डालें मिर्चें डालें उसी टाइम आप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप फ्रोज़न की तरफ जाएंगी, आप बना के रखना चाहती हैं बच्चों के लिए घर वालों के लिए, तो फिर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बनाएंगे। इस तरह की एक लई तैयार कर ली हमने, ये देखो, ये देखें, ये मांडा पट्टी है मेरे पास। इसकी रेसिपी बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मांडा पट्टी उठा लें, इस तरह रखें तकोनी, देखें इस तरह तकोनी तकोन में रखें, आपको ऐसे नहीं रखने। जैसे मैंने आपको चिकन रोल बताया था, एग वाली जो पट्टी रोटी बनाई थी वो मैंने इस तरीके से फिलिंग का तरीका बताया था, ये मांडा पट्टी इस तरीके से फिल नहीं होगी, ये इस तरीके से होगी। इसको टेपर रख लें। अब जो फ्रोज़न का काम करना चाहते हैं ना, देखें एक पट्टी मांडा पट्टी लें, ऐसे मेरी बात समझा करें मेरे भाइयों, ऐसे रखें, इसके अंदर ये रखें। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे जिस तरह मैं फीलिंग आपको पहले मैंने समोसे की भी बताई, रोल की भी बताई, अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे ना तो फिर आपका फ्रोज़न नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। इसको ऐसे पकड़ें, इसको यहाँ पे ऐसे, इसके अंदर आपने पहले मैंने इस पट्टी में देखो इसको रखा, फिर ऊपर से इस पट्टी को बंद किया ऐसे, फिर ये फ्रोज़न की तरफ जाएगी। मेरी बातें जहन से समझा करें, इसको यहाँ पर आके इस तरह करें, यहाँ से इसको ऐसे करें, ऐसे फिर इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, कोई मसला नहीं है। ये थोड़ी सी लई उठाएं, यहाँ लगा दें ऐसे, और इसको ऐसे पैक कर दें, ये लें, इस तरीके से बन जाएंगे। मैं आपको और ये होंगे फ्रोज़न, अगर आपने बीच में टुकड़ा ना रखा इसके फिलिंग के दौरान पे, फिर वो फ्रोज़न नहीं होंगे, फिर जो भी नमी वगैरह होगी पानी होगा असल में वो ख़राब करता है फ्रोज़न चीज़ को, पानी ख़राब करता है, बात समझा करें। मैंने इसका पानी वाटर रिमूव कर दिया बिल्कुल, अब इसमें पानी नहीं है। फिर उसके अंदर मैंने एक अलग से पतरा का टुकड़ा लिया, उसके साथ मैंने इसकी फिलिंग की। अब वो नमी बाहर तक आते आते टाइम लेगी, इसलिए ये आपके 2 माह 3 माह 4 माह फ्रोज़न रहेंगे, टेंशन ना लिया करें। ऐसे रख दें, एक और पतरा उठा लें, उसके साथ ये टुकड़ा ऊपर रखें इस तरीके से। देखें मैं आपको अलग से भी समझा देता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पहले टुकड़े मैंने ऐसे रखा। मेरे पास जो ये मांडा पट्टी के पत्रे हैं ये बड़े साइज़ में हैं, बाज़ार में जो मिलते हैं वो इस साइज़ में नहीं मिलते हैं, ये जहन में रखिएगा। ये ऐसे, तो फिर व्यूअर्स कहाँ से लेंगे? नहीं, आप बाजार मार्केट में जो आप सेल करने हैं वो साइज़ छोटा होगा, 6x6 का साइज़ होता है वो, ठीक है। ये 8x8 का साइज़ है, ये जहन मैं बता रहा हूँ, ये 8x8 का साइज़ है। अगर ये वाला लेंगे तो इसका रेट और होगा, इसका रेट फिर वो 15 रुपये 20 रुपये। हाँ, ये देखें, ये देखें,
एक सिंपल भर के दिखा दे। एक मैं सिंपल भर के दिखा देता हूँ, इस तरह रखें। सिंपल पे भी डबल जाएगी पट्टी? हाँ डबल जाएगी, क्योंकि फ्रोजन करेंगे तो डबल जाएगी। वैसे अगर आप फ्रोजन नहीं करना चाहते, वो मैं तरीका बता देता हूँ उसका, एक मिनट सिर्फ आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। मेरे भाइयों जो मेरे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, माएँ बहनें देख रही हैं, वो तवज्जो से मेरी बात समझा करें। अगर आप है ना जो घर में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरी माएँ बहनें जो भी हैं, वो इस तरह रखें इसको डायरेक्ट, फिर इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, यहाँ पे आके इसको यहाँ से ऐसे कर लें, इसको यहाँ पे आके इसको ऐसे कर लें, फिर इसको ऐसे कर लें। ये मैंने सिंपल बता दिया, लेकिन ये फ्रोज़न नहीं होगा। ये आप बनाएं, शाम को बनाएं, सुबह बनाएं, बस 10 से 12 घंटे में ये इस्तेमाल कर लें इसको। ये देखें, ये 10 से 12 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये सारे भर लूँ इस तरीके से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, फ्राई कर लूँ सारी, फिलिंग कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ये नहीं व्यूअर, ये तमाम मैंने फिलिंग कर ली जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से मैंने डबल फिलिंग की, बीच में एक टुकड़ा रख के उसके अंदर फिलिंग की। इस टाइम पे आप इसको फ्रोजन कर दें, 12-12 पीस करें, 50-50 करें, 100-100 करें, वो आपकी मर्जी। इस टाइम पे ये फ्रोजन होंगे। अगर आप वो बीच में पतला नहीं रखेंगे फिलिंग के दौरान, तो फिर वो फ्रोजन ज्यादा टाइम तक नहीं होंगे। दर्जन का क्या रेट बनेगा? ये यहाँ पे जो इस साइज में ये 25 रुपए का एक सेल करना है आपने बना के। अगर आप इसको फ्रोजन की तरफ लेके जाएंगे तो ये 15 रुपए का एक सेल एक बनेगा, इस 8x8 के साइज जो मैंने आपको बताया उसमें। अगर आप छोटा पट्टी लेंगे उसमें ये ज्यादा तैयार होते हैं। फिर यहाँ पे उसका रेट है छोटे का जो है वो जो 5 रुपए का मिलता है आपके इलाके में, वो 150 रुपए के 100 मिलते हैं, और 320 रुपए के जो है ना वो बड़े जो 10 रुपए का रोल मिलता है, 320 रुपए के कच्चे 320 रुपए के मिलते हैं 100। ये बात जहन में रहे आपके, उसी अपने इलाके के हिसाब से रेट को सेट कर लिया करें। बहुत प्यारा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। घी गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको डालते हैं। बहुत ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे डालना, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं डालिएगा, ये जहन में रहे आपके। ये 3 से 4 मिनट लेते हैं मीडियम पे और ये तैयार हो जाते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। ये लें, इसको डालते हैं और इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, 1 मिनट के बाद मैं इसको छेड़ूंगा। 1 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी आप मेरे साथ रहेंगे, 1 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसको क्या करना है, क्योंकि ये रोल होते हैं इनकी साइडें चेंज नहीं होती, आपने ये पौनी लेनी है उल्टी साइड से, इस तरह रख के इस तरह घुमाना है इसको इस तरह, फिर ये हर तरफ से जो है ना गोल्डन होने शुरू हो जाएंगे, बादामी कलर के या गोल्डन जो भी आप इसको नाम दें। इस तरीके से आप इस टाइम पे इस तरीके से आपने इसको हिलाना है 2 से 2.5 मिनट, ये कलर पकड़ लेंगे। बहुत प्यारा खस्ता पान, खुशबू तो अभी से बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार करें मेरे भाइयों, टेंशन ना लें। ये देखें आप इस तरीके से हमने इसको चलाते रहना है और इसके 2 से 2.5 मिनट पूरे करने हैं। 2 से 2.5 मिनट के बाद मैं आपको मिलता हूँ। ये लेकर मैं इस तरीके से इनको हिलाता आ रहा हूँ और फिर बाद में ऐसे भी कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा ऐसे, और इनको ऐसे हिलाता आ रहा हूँ। ये देखें अब इनका कलर कैसा आ गया। ये देखें, ये देखें, मुझे ये कलर चाहिए। मैं इसे डार्क करूँगा तो वो लोकल की तरफ चले जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ, इसका साउंड सुनिएगा आप। ये देखें ये रेंगे और इसमें डाल दें, इस तरीके से देखें, इस तरीके से आराम से, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरह डाल दें। अब मैं इस तरीके से ये डाल के सारे फ्राई कर लूँ इंशाल्लाह मेरे भाइयों, फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये लेवर ये सारे मैंने फ्राई कर लिए इस तरीके से, आपको रेट भी बता दिया। अब इसको एक को उठाएं, इसको मैं आपको खस्तापन दिखाता हूँ, देखिएगा। ये देखें ये इसका खस्तापन है, अंदर से जो इसके अंदर फिलिंग है वो ड्राई है। अगर आप धनिया डालने का सोच रहे हैं, सब्ज़ मिर्चें डालने की सोच रहे हैं, तो आप कभी ना सोचिए कि आप फ्रोजन कर सकते हैं। अगर आप इसका वाटर रिमूव नहीं कर रहे सब्जियों का, वेजिटेबल का, या बड़े पैमाने पे आप ड्रायर जो होता है कपड़े खुश करने वाला उसमें डाल के पानी नहीं निकाल रहे, तो फिर भी ना सोचिएगा, फिर ये ख़राब हो जाएंगे 2 से 3 दिन में। इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 माह तक ख़राब नहीं होंगी।
अगर आपको हमारा ये तरीकाकार जो हमने आपको बताया है रेसिपी का अच्छा लगा हो, दुनिया में मुझे जहां देखा जा रहा है सुना जा रहा है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। फिर न्यू रेसिपियों के साथ हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।